हाई बीपी? क्या नहीं है बाबा? बिल्कुल नहीं। नहीं तो तुम्हें 5 इंजेक्शन का। इंजेक्शन नहीं लूंगा मैं इंजेक्शन नहीं लूंगा। अरे एक भी इंजेक्शन नहीं लेना पड़ेगा। तो डरा था क्यों है? अरे भाई आजकल मरीज को डराकर ही तो डॉक्टर लोग पैसे कमाते हैं, क्यों भाभी? ये लो। वैसे तुम्हारी तबीयत एकदम नॉर्मल है, कुछ नहीं हुआ तुम्हें? मैं कुछ भी खा सकता हूँ ना। बिल्कुल। मेरे सर को छोड़कर कुछ भी खा सकता हूँ। अरे बाप रे, तू कैसे आया? टाइम पास करने मेरे घर आता है। वेर, एक बात का ध्यान रहे, तुम्हारा वजन 70-75 से ना ही कम होना चाहिए ना ही ज्यादा। डोंट वरी अबाउट दैट। बिरबल की स्टोरी मालूम है तुम्हें? नहीं। क्या? अरे बिरबल को किसी ने एक बकरा दिया और कहा इसका वजन कम नहीं होना चाहिए और ज्यादा नहीं होना चाहिए। बिरबल बोला डोंट वरी। वो उस बकरे को खिलाता रहा लेकिन ठीक उसके सामने उसने एक शेर को बांधा और डर की वजह से उसका ना वजन कम हुआ ना बढ़ा। आंटी, अंकल आपको कह रहे हैं। क्या है बेट? क्या है? तुम क्या कहना चाहते हो? नहीं, ये कहना चाहता हूँ तुम दोनों अगर सामने हो तो मेरा वजन कैसे बढ़ सकता है? हाँ। वेद, इस बात का ध्यान रहे, तुम हफ्ते में 2 बार वजन करते रहो और भाभी तुम भी एक साथ। नहीं, अलग अलग। हाँ। अरे लेकिन तेरी डिस्पेंसरी कितनी दूर है यार यहाँ से? अंकल मेरे पास एक आइडिया है। ए, टेंशन वाला आइडिया नहीं है ना? नहीं। हाँ तो बोल। अंकल आप एक वजन काटा ही खरीद लीजिए ना। वाह वाह वाह, बच्चा एकदम होशियार है। और सुनो, देखो ये टेंशन जो बात कर रहे थे ना उससे दूर रहो। ठीक है। अरे टेंशन से तो ही वजन बढ़ता है किसी किसी का, और किसी किसी का कम हो जाता है। चक्कर भी आने लगते हैं। क्यों डराता है यार मुझे? चक्कर आने लग जाएगा, ये हो जाएगा, वो जाना दो। अच्छा बाबा चलता हूँ, टेक केयर भाभी। टेक केयर। हाँ टेक केयर। हाँ तू तो मेरा अच्छा दोस्त है गिल्ली, इसीलिए तो आपका इतना ख्याल रखता हूँ। मेरा ख्याल रखना चाहता है तो अपने घर जाना बाबा। क्या अंकल? कितना? 500-600 रुपया? नहीं नहीं, हाथी का वजन करने के लिए नहीं, इंसान का वजन करने के लिए तो भी उतना ही। अरे बाप रे। हाँ 500-600 रुपया बोल रहा है क्या? हाँ। इसे अच्छा तो स्टेशन पर जाते हैं ना, 1-1 रुपया डाल के वजन करते हैं। तो एक काम करो ना। हाँ? स्टेशन का कांटा इधर उठा के लेकर आओ ताकि पुलिस मुझे पकड़े और मैं हवालात में बंद हो जाऊं। और वहाँ चक्की पिसते पिसते तुम्हारा वजन भी कम हो जाए। ऐसे मेरा वजन इतना ज्यादा नहीं है। अरे तू कब आया? अभी तो आया अंकल। ए गिल्ली मुझे ये बता, वजन करने का कांटा कहाँ मिलेगा? आइडिया। हम स्टेशन पे जाके उन्हें पूछते कि अगर उन्हें वजन करने का कांटा बेचना है क्या। नहीं 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 नहीं, सस्ते में चाहिए यार, वो कोई सेकंड हैंड वाला भी चलेगा। किधर मिलेगा? सेकेंड हैंड? हाँ मतलब पुराना। अंकल हाँ? मुझे बता आपको सेकेंड हैंड कांटा किधर मिलेगा, मैं अभी लेके आता हूँ। सब लोग हाथ जोड़ो। हे वजन काटे, मेरा सही वजन तोलना और मापना, क्योंकि अब मेरा वजन तुम्हारे हाथ में है। जय वजन काटे, जय वजन काटे। ये आइडिया गिल्ली का था, ये जय वाला। नहीं नहीं, वजन काटा वाला। गिल्ली कितने में लाया? 200 रुपए। बस 200 रुपए? अरे तू लाया ना, तू पहले वजन कर। हाँ शाबाश, कितना है? ओनली 20 केजी। अरे हाइट से भी ज्यादा है, भारी है। इसे कह रहे हो? लेकिन 85 केजी के ऊपर 20 केजी भारी है। अभी अभी तुम्हारा वजन करो। नहीं नहीं, करो करो, पहले बच्चों का करते, मैं बाद में करूंगी। अरे ओ शहंशाह। बोला सेनापति। ये सेनापति बोल रहा है तू? अरे आप मुझे शहंशाह कहोगे तो मैं आपको सेनापति भी कहूंगा ना। ओ शहंशाह, ये राजगद्दी नहीं है तुम्हारी। चलो उठो, चलो उठाते, जोर लगा के, जोर लगा के। अब देखो तुम्हारा वजन, खड़े रहो ऊपर। ओनली 18 केजी। 18 बस।
पंछी जिस हिसाब से खाता है उस हिसाब से उसका वजन काफी कम है। जितना खाता है उतना जाता भी होगा ना। ए, चुप बैठो। हाँ, बोली करो करो, चलो आओ। अरे बाप रे, ये तो छुपा रस्तम निकला। इसका वेट तो पौंची से भी ज्यादा है। अब मैं करो। Only 22 kgs. 22? Excuse me. 21. दानिया से एक किलो कम। हाँ, वो दिमाग के पोषण में कमी है ना? तुम्हारे दिमाग में। तुम्हारा दिमाग। तुम्हारा दिमाग। तुम्हारा दिमाग। तुम्हारा दिमाग। तुम्हारा दिमाग। झगड़ना नहीं, झगड़ना है तो गार्डन में जाके झगड़ो। हाँ, अब मैं वजन करता हूँ बच्चों। सिर्फ 55? अरे अब बच्चों सुनो, कहाँ गए बच्चे? अरे सुनो सुनो, 55? डॉक्टर ने तो कहा था कि 70 और 75 के बीच में होना चाहिए, मेरा तो 55 हो गया। मुझे वजन बढ़ाना होगा। हाँ, 90 kg? अरे बाप रे, अगर वेद ने ये देख लिया तो मेरा तला हुआ क्या जला हुआ खाना भी वो बंद कर देगा। कितना है वजन तुम्हारा? तुमसे 5 kg कम है। दिखाओ दिखाओ दिखाओ। नहीं फिर से क्या? नहीं, दिखाओ। पैर में दर्द। कैसे हैं डांडा साहब? अच्छा हुआ तुम लोग आ गए। गिल्ली कह रहा था कि आपको डॉक्टर देखने आया था। हाँ, यमराज देखने ना आए इसलिए डॉक्टर को बुलाया था। एनीथिंग सीरियस? नहीं नहीं, रूटीन चेकअप। विक्रम कह रहा था बहुत दिनों से आपसे मिले नहीं है, तो मिल आते हैं। बहुत दिनों से? पहले 2 घंटे मिले थे। आपका वजन कैसा है डांडा साहब? ठीक है, वजन अच्छा है। बहुत कम हो गया है मेरा वजन। अरे बाबे, बहुत कम है। 50 kg? मेरा भी तकरीबन उतना ही है। बोलो तुम देखो। नहीं नहीं, मैंने अभी 70 kg? आज से तुम्हें डाइटिंग शुरू करनी होगी। नहीं नहीं, मैं नहीं डाइटिंग करूंगी। करनी ही होगी, वरना मैं तुम्हारे पापा को बुला के दिखाऊंगा। हमेशा मुझे ताने मारते रहते हैं कि मेरी बेटी दुबली पतली है। तुम घर चलो, उसके बाद ये सब कहना, समझे ना तुम? आज से तेल वाला बटर और चीज तुम बिल्कुल नहीं खाओगी, समझी? चलो घर। ये लोग हमसे मिलने आए थे कि वजन कराने आए थे? वजन कराने आए थे और क्या? ये क्या, ये क्या, पोंछी की तरह खा क्यों रहे हो तुम? मेरा वजन बहुत कम हो गया है शालिनी। हाँ, मुझे वजन बढ़ाने की जरूरत है। पकड़ पकड़, ये मोटा सा मुझे पकड़ ही नहीं पाता। ए, मैं मोटा नहीं हूँ। सर जी देखिए ना, ये मुझे बार बार मोटा करके चिढ़ा रहा है। क्यों पंछी? इसका वजन ही इतना है। ये भी मोटी है। ए, मुझे मोटी मत कहना। मैंने तुम्हारा नाम लिया। प्लीज झगड़ा मत। मेरे को बार बार मोटी कहना पसंद है, इसलिए मैं बार बार मोटी कहती हूँ। मोटी तू है आंखों की छोटी। इनफ इनफ, प्लीज झगड़ा मत। नहीं, नहीं मुझे अभी जाना है। अरे अभी नहीं भाई, ये भी कोई टाइम है। रोना मत। चिंटू क्यों रो रहा है? पता नहीं, चलो देखे। चलो समझता क्यों नहीं है? अरे ये भी कोई टाइम है जाने का? अरे मेरे बाप, जिद मत कर। चुप, रोना बंद कर। क्या हुआ अंकल, ये चिंटू क्यों रो रहा है? अरे सुबह से वजन कराने की जिद कर रहा है, गधे का बच्चा। पापा मैं आपका ही बच्चा हूँ। चुप। पता है कहता है सब बच्चों ने वजन कर लिया, मैं अकेला ही रह गया। अब इस वक्त मैं इसे स्टेशन कैसे ले जाऊँ? डोंट वरी अंकल, मेरे डंडा अंकल के पास वजन काटा है ना, अब चलिए मेरे साथ। डंडा अंकल के पास? हाँ। ठीक है चलो। उस दिन जल्दी जल्दी मैं वजन किया था, फिर से एक बार करती हूँ। 95? शालिनी टेंशन मत लो, टेंशन से वजन बढ़ता है। डंडा अंकल। चुप कर यार। अरे चुप कर, अब ले आया हो ना तुझे। चुप। नमस्कार शालिनी भाभी जी। नमस्ते। और डांडा साहब कैसे हैं? उनका ब्लड प्रेशर वगैरह ठीक तो है ना? 95? ये तो लो है। हाँ, नहीं मैं प्रेशर की बात नहीं कर रही थी, वजन की बात कर रही। अच्छा, अरे डांडा क्या बात है? मैंने सुना तुम्हें माइल्ड हार्ट अटैक आया है। किसने कहा? वो डॉक्टर आया था ना? डॉक्टर खाना खाने के लिए आया था। अच्छा डॉक्टर खाना खा, लेकिन तुम इतना खाना मत खाओ यार। वो क्या है, हार्ट के ऊपर प्रेशर बढ़ सकता है। हाँ, फिर वो ब्लड प्रेशर लो हो सकता है, फिर किडनी फेल हो सकती है और लिवर खराब हो सकता है, अपेंडिक्स भी हो सकता है। और अभी तो एक माइल्ड हार्ट अटैक आया है, बाद में मैसिव 2-3 और 4-5 महीने के बाद तुम ऊपर। ए, ए,
अभी मरे नहीं है, मरने के बाद रोना। क्या आया था? नहीं वो डॉक्टर आया था ना, तो मैं आपका हालचाल पूछने के लिए आया था। मैं ठीक एक्चुअली चिंटू वजन कराने की जिद कर रहा था, इसलिए मैं आपके पास लेके आया। देखिए ना ये आजकल के बच्चे, ये आजकल के बच्चे भी कैसे हैं। ये कल जिद कर रहा था मुझे गधे पर सवारी करवाओ, आप ही बताइए गधा कहाँ से ले आऊं? कंधे पे बिठाते ना उसको अपने। क्या आइडिया यार, वापस दो। क्या इसका मतलब मैं गधा हूँ? परेशान कर रखा है। अब वजन कर रहा है ना तू? देखिए कितना है? 95। क्या? 95 नंबर फिक्स किया गया तुमने? ये तो 20 किलो है भाभी। 20 किलो है। हो गया ना? चल 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 चल। अच्छा ये क्या? तुम ये करो। नहीं नहीं मुझे नहीं। अरे करो करो। अरे नहीं है। करो यार। छोड़ो ना। ठीक है। नहीं कर लेता हूँ। तुम्हें बुरा लगेगा, कर लेता। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। नहीं कर लेता हूँ यार। कर लो। देखिए कितना है? 95। क्या? ये तो 45 है। मेरा वजन बहुत कम है ना? अंकल कम वजन से आदमी को चक्कर आ सकता है, वो बेहोश भी हो सकता है। बेहोश भी हो सकता है, उसे कैंसर भी हो सकता है। क्या? उसे सार्स भी हो सकता है। और आहिस्ता आहिस्ता वजन कम होता है। ये देखो 25। तुम आ गया। ये तुम आजकल पहुंचे की तरह खा क्यों रहे हो? डॉक्टर ने कहा वजन कम हो गया, खाते जाओ। पहुंची। हाँ आइए अंकल। आया भैया। ओके ओके। अरे गिल्ली कौन है? भैया हम सब्जी वाला है। नहीं सब्जी नहीं चाहिए अंकल, इन्हें वजन कराना है। एक मिनट, काटा लाया हूँ। बिल्कुल नया है। अच्छा अच्छे ये लीजिए। इसमें चढ़ना होता है। अच्छा। हाँ हाँ। अरे नहीं नहीं एक मिनट, ये कैसे? ये आप मैं रख दूँ। कितना है? 1 किलो कम हुआ। अगले हफ्ते आता हूँ। हाँ। क्या है? कितनी बार करोगे? नहीं 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 चलो चलो। नहीं नहीं चलो चलो। कार बार हो चुका है। नमस्ते। कौन है हम लोग? धोबी अंकल। धोबी अंकल ये क्या करने आए यहाँ? वजन कराने। गिल्ली करो करो सर। साहब जी ये पकड़ी है ना? हाँ मैं पकड़ू। कितना वजन है तुम्हारा? हमको दिखता नहीं ना। हाँ 400 किलो हो गया। बस बस ये लीजिए। ये क्या है? ये 2 रुपया है, इसमें से 1 रुपया आप रख लीजिए, बाकी हमको वापस दे दी। 1 रुपया मैं क्यों रखूं? ये वजन करने का। वजन करने का पैसा नहीं लेता मैं, सोशल वर्क कर रहा हूँ सुबह से। पर साहब जी हम अगर बाहर वजन करते तो पैसा तो देना ही पड़ता ना। तो बाहर जाओ वजन करने के लिए, यहाँ क्यों आए? यहाँ 1 रुपये में वजन मिलता है ना। गिल्ली अंकल, डंडा अंकल ने ये वजन काटा कमाने के लिए नहीं लिया है। हाँ पर साहब जी आपको ये रुपया तो लेना ही पड़ेगा, हम बहुत ईमानदार आदमी हूँ, हम किसी का ये कुहु पैसा नहीं लेते। लेकिन मेरे पास छुट्टा पैसा नहीं है, तुम्हारा 1 कुहु पैसा कहाँ से लाऊं मैं? अब क्या करे क्या करे अंकल। हाँ। आप अपने कोई रिश्तेदार को बेच दो ना। हाँ ये बात ठीक है, हमार बचुआ की माँ को हम भेजते हैं। राम राम साहब जी, जय राम जी की। बचुआ की माँ। अंकल मैं भी जाता हूँ। ठहर ठहर गाइड ठहर, जाना मत। अंकल मैं गाइड नहीं हूँ, मैं गिल्ली हूँ। अरे तू गाइड ही है, सुबह से सब लोगों को यहाँ लेके आता है। वो चने वाला से लेके धोबी सब लोग आ गए। अरे इतने लोग तो मेरे शादी में भी नहीं आए थे, वजन करा करा के मैं थक गया हूँ गिल्ली। ठंडा साहब कैसे हैं आप? अच्छा हूँ अच्छा। अरे अरे सुनिए तो सही, वो आपका नया बिजनेस कैसे चल रहा है? कैसा बिजनेस? वही 1-1 रुपए का। मतलब? अरे इतने भोले मत बनो यार, मैंने सुना है तुम लोगों का वजन कराने का 1-1 रुपया लेते हो। किसने कहा ये? दिल्ली ने। दिल्ली को देख लूंगा मैं। क्यों
अब तक कितना कमाया? नहीं कहो तो और लोगों को भेजूं? नहीं। अरे सुनो तो सही, क्या है? क्या बात है, क्या बात है, क्या शायराना तबीयत पाई है आजकल, जरा मोटे हो गए हो। मेरी बीवी मुझे खाना खिलाती है। अच्छा। तुम्हारी बीवी की तरह भूखा नहीं रखती, समझा? कुछ ज्यादा ही। दीदी पानी पूरी। मैंने होंगी। क्या नहीं नहीं, वहाँ तो विक्रम ने सारा खाना पीना बंद कर दिया है। चलो ना खाते है, घर के बाई को भी निकाल दिया है। चलो ना खाते है, कहता है 2 घंटे चला करो। चलो ना खाते है। नहीं क्या नहीं खाते, कोई बात। भैया 2 प्लेट पानी पूरी देना। नहीं नहीं पल्लवी, मुझे नहीं चाहिए। देखो पहले से मैं 95 हूँ, अगर पानी पूरी खाई तो मैं तो खाऊंगी। खाने वाली है ना, हो जाएगी 90। पल्लवी क्या कर रही हो तू? तुम पानी पूरी नहीं खा सकती, तुम्हारा वजन बहुत ज्यादा है। बस एक खा रही हूँ। नहीं खा सकती विक्रम। नहीं विक्रम को मत कहिए। मैं खाऊंगा, मेरा वजन कम है, दे दो जल्दी। Excuse me, अंकल। Yes? आप डंडा अंकल को बुलाएंगे? हाँ क्यों नहीं। डंडा? अरे मैं हूँ तुम्हारा डंडा अंकल। डंडा अंकल? हाँ। ये आपको क्या हो गया, आप इतने मोटे कैसे हो गए? मैं कहाँ मोटा हो गया हूँ? अंकल आप तो ठीक से चल भी नहीं पाते हो। देखो फटाफट आ गया यहाँ तक मैं। अंकल आप तो थक गए, मोटे लोग जल्दी थक जाते हैं। अंकल फिर आपकी सांस क्यों फूल रही है? अरे बेटे मैं नए स्टाइल से सांस ले रहा हूँ। स्टाइल से? चलो चलो खाना बंद करो। डंडा अंकल शालिनी आंटी ठीक कह रही है। नहीं बेटे मेरा वजन कम हो गया है इसलिए मुझे खाना पड़ता है। वजन कम हो गया? हाँ। तो ये गुब्बारे की तरह फूल क्यों रहे हो? खुशी के आंसू कभी देखे हैं तुमने? हाँ। वैसे ये खुशी की सूजन है। जाओ शालिनी मेरे लिए एक सूजन का हलवा लेकर आओ। क्या? सूजी का हलवा। वेद तुम्हारे कपड़े तुम्हें छोटे पड़ रहे हैं, तुम कितने मोटे हो गए हो और तुम्हें सूजी का हलवा चाहिए? डंडा अंकल आप उठ जाइए वरना ये कुर्सी टूट जाएगी। चलो उठिए, ऐसे तो तुम सब घर का फर्नीचर तोड़ दोगे। उठो उठो। उठू मैं फट से? हाँ। चलो मदद करो मदद करो। अरे बाप रे, अरे उठाओ मुझे कोई। चलो फ्रेंड्स 1 2 3। आइए डॉक्टर साहब आइए, देखिए। अरे अरे डांडा तू तो साइकिल था, अभी एकदम ट्रैक्टर कैसे हो गया? तू यहाँ क्यों आया? तेरा ऑपरेशन करने। क्या मतलब? तेरे दिमाग का ऑपरेशन करने। अरे भाभी ने कहा सुबह शाम खाते रहते हो यार। अरे मेरा वजन कम हो गया है इसलिए खाता रहता हूँ। इस काटे पे वजन करो तो पता चलेगा। हाँ, रखो नीचे रखो। हाँ। सबसे पहले मैं करूंगी। हाँ, करो। हटो हाँ। हटो ना। हाँ। कहा क्या कितना है? 55। लेकिन उस काटे में तो 95 आया था। वो काटा खराब होगा। देखा विक्रम? हाँ हाँ। चलो वेद अभी तुम्हारा वजन करते हैं। हाँ चलो हटो। रहने दो ना, अच्छा लगता है। क्या अच्छा लगता है? 55। चलो हटो। आओ मैं पीछे ही संभाल। काटा का पैर ऊपर रखिए। अब दूसरा पैर। वेरी गुड। अरे बाप रे 175 किलो। नहीं नहीं 70.5 होगा। क्या बात करते हो सब? देखो ये देखो 175 किलो है। 75 यानी सुमो पहलवान। ये सुमो पहलवान जल्दी नीचे उतरो ना तो मेरा वजन काटा टूट जाएगा। नहीं नहीं मैं उस काटे पे वजन करूंगा, वो काटा सच बोलता है। अरे सुमो पहलवान ये वजन काटा एकदम सही है। अरे बाप रे मेरा वजन कम कैसे करूंगा फिर? हाँ, एक काम करते हैं। गिल्ली तुम अपने सब दोस्तों को लेके आओ और इन पर कूदो। क्यों? पतले होना चाहते हो ना? हाँ। तो आज से ही हलवा पूरी श्रीखंड सब सब खाना शुरू कर दो। अरे इससे तो मैं फट जाऊंगा। तब 2 महीने में ठीक हो जाओगे। ये सब उस काटे की वजह से हुआ। कहाँ से लाया वो काटा? शामू काका के यहाँ से। कम बदतमीज शामू काका है ये? वही जिनकी दुकान पे बहुत सारे पुराने पेपर्स पड़े हैं। वो भंगार वाला? हाँ। ना अंकल आप ही ने तो कहा था कि आपको सेकंड हैंड काटा चाहिए। सेकंड हैंड यानी पुराना चाहिए, भंगार वाला नहीं। क्या डंडा अंकल, सेकंड हैंड यानी पुराना, भंगार यानी भी पुराना। क्या? हाँ।